ये इसको या क्लोज कर दो आपकी मर्जी है, या दोबारा खोल लेना। चले ठीक है, खोल ही लेते हैं इसको। फॉर्म लोड को डबल क्लिक कर दो इसके फॉर्म के ऊपर, डायरेक्ट इसका खुल गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट का फॉर्म, ऑब्जेक्ट का फॉर्म वन लोड आ गया। अगर वहाँ पे मैं इसकी प्रॉपर्टी चेंज करता वो आ जाता। अब देख रहे हो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे चीज़ें नहीं आ रही, क्यों? हम अब कोडिंग वाले सेक्शन पे हैं। अच्छा जी, हम यहाँ पे क्या कर रहा था, दो चार जो प्रॉपर्टीज़ चेंज करने वाले थे, बैकग्राउंड कलर और दो चीज़ें देखेंगे हम ऐड करना चाहते, देखते हैं। बहरहाल ये दो तीन एग्जाम्पल्स ही बहुत है। पहले हमने क्या किया, फॉर्म का बाय डिफॉल्ट नाम यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, मी। ये क्लास के अंदर इन्होंने पहले से विजुअल बेसिक वालों ने, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बिल्ट इन फंक्शन बनाया हुआ मी। मी को इन्होंने ऑलरेडी बैक पे इन्होंने ऐड कर दिया है। क्या इसको बता दिया, मी जो प्रोग्रामर है या डिजाइनर डेवलपर है, जहाँ पे ये मी कॉल करेगा तो आपको मतलब वो फॉर्म पे काम करना है यहाँ पे। तो मी पे हमने क्लिक किया, मी के साथ हम क्या कर रहे हैं जी, सॉरी ये मैसेज दे देगा इसको मी डॉट, इसको कर देंगे यहाँ पे। देखिए सारे आ रहे मुख्तलिफ चीज़ें, आप क्या करना चाह रहे हो, मैसेज दे दे जी। जैसे मैं खुले आपका लोड हो तो मैसेज क्या हो जी, क्या था इसका, वहां देना चाहिए उसको मी डॉट मैसेज। चलें ऐसे करते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर पहले चेक करके देखते हैं। बीजी कलर, बैक कलर इक्वल टू क्या दिया हमने इसको, बताओ जरा बताओ, याद हो रहा है? कलर डॉट, ठीक है डॉट, बहुत सारे हैं, कोई भी ले लो आप, बेज ले लेते हैं। और दूसरा हम दे देते हैं मैसेज को मी डॉट टेक्स्ट, सॉरी देखो प्रॉपर्टी भूल गया डालना, मैं डायरेक्ट किस पे जा रहा था उसके मैसेज के अंदर। अच्छा टेक्स्ट, टेक्स्ट के लिए हमें क्या करना था, यहाँ पे जरूरी जो था विजिबल कर दो या इस पे टाइप कर दो, चले विजिबल कर देते हैं, ठीक है। इक्वल टू उसको हमें इसमें टाइप करना है, ब्रैकेट्स में भी डाल सकते हो उसको, कोई इशू नहीं है। अच्छा क्या था टेक्स्ट जी, ये कौन सा टेक्स्ट है, याद है किसी को या भूल गया? हाँ टाइटल बार वाला, माई फर्स्ट दे दिया हमने, माई फर्स्ट प्रोग्राम, ये हो गया दूसरा, ठीक है। और कोशिश करो हर कोड जो एक कोड के अंदर जो सेंटेक्स लिख रहे होते हैं, कोड तो बहुत बड़ा होता है, छोटा भी हो सकता है, एक से ज़्यादा सेंटेक्स होती है, इसको आप सेंटेक्स कह सकते हो, ये जितने हम लिख रहे हैं ना, तो इनको अलग अलग लाइन में लिखो, लिखने के लिए हम सामने लिखते जाएंगे, लेकिन बाद जगह पे आपको यहाँ पे कोमा देना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। कोमा दे के फिर आगे दूसरा कोड डाल, तो उससे बचने के लिए थोड़ा प्रोग्राम में मतलब एरर्स ना आए तो आप लाइन चेंज करते जाए, अच्छी है। आपका पेज लंबा हो जाएगा लेकिन बहुत सी चीज़ों से आप बच जाओगे, मतलब एक्स्ट्रा वर्क से। अच्छा बैकग्राउंड कलर हो गया, टेक्स्ट हो गया, और उसके बाद मी डॉट आपका बैक कलर टेक्स्ट हो गया। अब मैक्सिमाइज को हम देखते हैं, मिनिमाइज आ रहा है, मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज मैक्स दोनों थे, मैक्सिमाइज को क्या करेंगे, यहाँ पे हो गया क्या, ये ऑब्जेक्ट और ये प्रॉपर्टी, फिर प्रॉपर्टी को क्या करना कराना है हम लोग को जी, प्रॉपर्टी में क्या कराना है, इक्वल टू फॉल्स, ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि रिस्टोर हो वो। मी डॉट मिनिमाइज, मिनिमाइज बॉक्स, ठीक है। अच्छा जी ये इक्वल टू इसको क्या करना है, ये टू मिल जाएगा, ठीक है जी। एंड सब तो हो गया, और क्या था, और कोई प्रॉपर्टी ऐड करनी थी,
बाकी आप फिर मजीद ऐड कर लेना मैसेज वाला, ये ना आ गया ना नीचे टेक्स्ट, हमने उसके प्रॉपर्टी यूज, हम डायरेक्ट फॉर्म के साथ हम वो मैसेज बॉक्स में कॉल कर रहा था, वो मैसेज बॉक्स इस पे नहीं होगा, मैसेज वो डायलॉग बॉक्स है, क्योंकि डायलॉग बॉक्स तो ऑलरेडी वो उसका फॉर्म की तरह वो लोड ही हो रहा है, और ये टेक्स्ट हम उसमें नहीं दे रहे हैं, डायलॉग बॉक्स में नहीं दे रहे हैं, तो वो मैं कोड जो ढूंढ रहा था वो मैसेज बॉक्स का डायलॉग बॉक्स का ढूंढ रहा था, हालांकि ये टेक्स्ट हमें कहाँ दिखाना है, टाइटल पे, मैं उसको कहाँ कोड किस चीज लिख रहा था कि ये बॉक्स खुले उस पर मैसेज दिखे, जैसे वो था आपका बटन पे क्लिक करने पे, क्योंकि वो पहला एग्जाम्पल था वो करने वही जहन में था। बहरहाल तो ये हो गया आपका रन टाइम पे एप्लीकेशन का दूसरा हिस्सा, ठीक है F5 कर देते हैं इसको, फॉर्म लोड हुआ आपका, ये रन हो रहा है, मैसेज नहीं आया, अच्छा ठीक है, एक चीज करते हैं इस पे, क्यों हुआ होगा ये बता सकते हैं कोई मुझे थोड़ा सा, ये भी अच्छा ये हो गया, थोड़ा क्वेश्चंस आपको मिल गया करने को, वजह क्या है इसकी, क्या चक्कर क्या है सर, फॉर्म 1 बीबी पे ऊपर आप फार्मूला खोला हुआ किस पे, साइड ऊपर किस पे जी, क्या करें अभी, क्या समझ में आ रहा है, एक मिनट एक काम करते हैं जी, इसको मैं कर देता हूं, मैं ठीक है ये कर दिया, और इसको मैं जरा शुरू में ले आता हूं टेक्स्ट को लोड होते ही, ये हो गया, और दूसरा क्या था, टाइटल चेंज किया था, इस कलर को मैं कुछ और दे देता हूं, ब्लू ही कर देते हैं इसको, ठीक है, और इस मैसेज बॉक्स से हमें क्या करना था, ये तो ठीक है बटन क्लिक पे ये हो गया, और mybs.form लोड हो रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज में या टेक्स्ट माय फर्स्ट प्रोग्राम लिखा हुआ है, सही ठीक है, और फॉर्म 1 इधर नाम दिया हुआ है इसका, ये तो टाइटल का नहीं है, ठीक है, और कलर यहाँ पे जी ब्लैक है, बैक कलर यहाँ पे वाइट है, डिफॉल्ट में ठीक है, रिफ्रेश हो गई है, F5 होने के बाद हो ही जाता है, ठीक है, ये हो गया ब्लू, और ये हो गया हेलो वर्ल्ड। हालांकि देखो अब दो चीज़ें हैं, एक और क्वेश्चन में आ रहा है कि हमने वहाँ पे क्या किया था, बल्कि इसको क्लोज करेंगे तो मसला होगा, चलो मैं बता रहा हूँ इसको समझने की कोशिश करें, वहाँ पे हमने यहाँ पे टाइटल पे क्या नाम दिया था, प्रॉपर्टीज़ के अंदर यहाँ पे कुछ और दिया था, माई फर्स्ट पेज, यहाँ पे मैंने हालांकि वो प्रॉपर्टीज़ पे टाइप किया था, टाइप करके चेंज किया था, वो उस वक्त हो गया था, रन टाइम पे ये हो गया, रन टाइम वाला जो है ना वो आप कह सकते हो वो स्ट्रोंग कोडिंग आप कह सकते हो उसको, क्योंकि वो मेन वो इम्प्लीमेंट होता, वो तो आपने कर दिया वो बस वहाँ उस वक्त करके वो एंड हो गया वहाँ पे, आगे कोडिंग में जाके आप जो चेंज करोगे ना, जो चेंजिंग होगी ना प्रोग्राम पे असल में वो इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, इसको मजीद और एक्सप्लेन करता हूँ, चलते हैं कोडिंग की तरफ दोबारा से, ये देख लिया एग्जांपल आप लोगों ने, ये भी फंक्शनल है, ये भी चल रहा है, ठीक है, कोड पे चलते हैं, अच्छा इसको भी एक्सप्लेन करें, आगे चल के करते हैं, यहाँ तक समझ आ गया, सिंपल कर लिया हमने, ये समझ लो दो प्रोग्राम आप कह सकते हो, या एक में शामिल कर सकते हो, एक प्रोग्राम हम बनाएंगे जिसमें सिर्फ फॉर्म के ऊपर काम करे, फॉर्म एक कंट्रोल है,
एक प्रोग्राम बना है जिसमें हम कंट्रोल डालेंगे बटन, उसको भी काम करें, काम ज़्यादा उसमें डिटेल में हम नहीं कर रहे हैं कि जी क्लिक करने पे सेफ हो और बड़े मामला, तो सिंपल भी जो एस्टीमेट में करने थे कलर चेंज करना या फॉन्ट आप ये आप करो, मैं दो चार एग्जांपल्स दे रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ में क्या लिख रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर टेक्स्ट और ये मिनिमाइज इस तरह की चीज़ ले रहा हूँ, आप बाकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करो, लेकिन वो प्रॉपर्टीज़ यूज़ नहीं करना जिस पे मज़ीद उसके साथ और कुछ कोडिंग ऐड करना पड़े, सिर्फ जो डिज़ाइन से रिलेटेड है मतलब कलर फॉन्ट ये चेंज करने वाला, ताकि आप फिर किसी मुश्किल में ना फंस जाओ, क्योंकि वहाँ तक जब हम पहुँचेंगे तो फिर उस वक्त देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग फॉर्म बनाना, उसमें उस फॉर्म के साथ ये चीज़ें कर लेना आप कलर्स के हवाले से, या बटन दो चार डाल देना, उस किसी बटन पे क्लिक करने पे कुछ मैसेज आए, किसी पे कुछ आ जाए, तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए, आप अब सोचो आप प्रोग्रामर बन रहे हो, आप इस जो आप पढ़ रहे हो उसके लिहाज से आप सोचो मैं इसको किस तरह कोई से किस तरह का एप्लीकेशन बना सकता हूँ, ठीक है।